मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये महान भूमि आदि शंकराचार्य, गुरु माध्वाचार्य, आचार्य रामानुज और जगत ज्योति बसवन्ना के विचरण करने वाली भूमि है, इसको प्रणाम करता हूं मैं। आगे पूज्य आदिशंकरना स्मरणे माड़ता, आगे रामानुजाचार्यरन्नु कूड़ा स्मरणेवन्न माड़ता, जगज्योति बसवेश्वररन्न ध्यान माड़ता, ई ओंदु कार्यक्रमवन्न शुरु माडोण। मित्रों, आचार्य रामानुज ने अपने जीवन के 12 साल यहीं पर मेलेकोटे में मांड्या में व्यतीत करकर धर्म का पुनर्जागरण का काम किया था। स्वतः रामानुजाचार्यरु ई मंड्यदल्ले तम्म बाल्यद 12 वर्षगळन्नु कळेदु तम्म एनु आध्यात्मद ओंदु अध्ययनवन्नु कूड इल्ले प्रारंभवन्नु माडिदरु। मित्रों, मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, यहां पर मैं नलवाड़ी कृष्णराज वड़ियार और भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आगे नालवड़े कृष्णराज वड़ेर आगो विश्वेश्वरैयरन्नु कूड ई संदर्भदल्लि नन्न स्मरणेयन्न माड्तने। मैं आदु चुनचुनगिरी मठ के दिवंगत स्वामी श्री 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 बाल गंगाधर नाथ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आगे आदि चुनचुनगिरी श्रीगळादंत बाल गंगाधर नाथ स्वामीगळिगू कूड प्रणामवन्न नानु ई संदर्भदल्लि माड्तने। अरे मांड्या जिला, हमारे प्रिय नेता येदुरप्पा जी का जन्म स्थान है। आगे नम पक्ष हिरिय नायक आदरणीय येदुरप्पनवर जन्मस्थान कूड़ा ही जगह आगे। और आज येदुरप्पा जी देश में नहीं है, विदेश में है। आज सुबह ही उनका फोन आया था कि अमित भाई, आपको मालूम है मांड्या मेरा जन्म स्थान है, मेरा जन्म मांड्या में हुआ था। मैंने बोला मैं आपकी याद मांड्या वालों को जरूर दिला दूंगा। आगे ಯಾವಾಗಲೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।